कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी? मैं भाभी बस यही थी। मैं पता क्या समझ रही थी, आज तुम उठते साथ ही मुझसे मिलने आओगी, लेकिन तुम तो क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? मैं नहीं भाभी, बिल्कुल नहीं। वो नाश्ता आके हमारे यहाँ से? जी। कौन लेकर आया? वो कौन? वो हसन भाई। हसन आया है जी, जरा उसे बुला दो। लेकिन भाभी मैं कैसे बुलाऊं? भाई अब तुम ही हो यहाँ पर, कोई और तो है नहीं, बुला दो। हाँ लेकिन वो, मैं सोच रही थी। मैंने तुम्हें काम के लिए बोला, तुम्हें बुरा लगा ना? वो दरअसल शादी से पहले की आदत पड़ी है ना, इसलिए। अल्लाह ना कर भाभी, ये आप कैसी बातें कर रहे? मैं अभी बुलाती। अरे आप ही जाके देखो लस्सी बनी या नहीं बेटा। आप लोग नाश्ता कर लेना वरना ठंडा हो जाएगा। हाय कोई पहुंचा नहीं? मैंने तो सबसे कह दिया था बेटा। जी लग तो नहीं रहा कोई आ रहा है, मैं ही बुला लेता हूँ। हाँ हाँ सुनो बेटा, नाश्ता किए बिना जाना मत। हाँ अच्छा चलो भाई, चलो नाश्ता करें, चलो उठो। सर किसी को ढूंढ रहे हो क्या? नहीं वो मैं असल में अब वो नाश्ता आ गया है, मैं आपको उसके लिए बुलाने आया था। अच्छा 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 नाश्ता आ गया, चलो चलो। अरे वो बेटा मेरा ना उगाल था नंदर रह गया, वो लेते आना है। दीनो, अरे दीनो तुम यहां खड़े हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूं। जाओ जाके उनसे कहते हो कि भाभी उन्हें बुला रही है। किसको बाजी? उनको जो भाभी के यहां से आए। आप मेरी बात कह रही हैं? वो हाँ मैं भाभी आपको बुला रही है। ये बात आप मुझे खुद भी बता सकती थी, तो फिर दीनों को क्यों बुला रही थी? हाँ लेकिन मैं वो आप मैं वो बस क्या हो गया आपको? कोई देखे तो समझेगा आप मुझसे शर्मा रही हैं। मैं भला आपसे क्यों शर्माऊंगी, मैं तो सिर्फ इसलिए कि मैं तो सिर्फ इसलिए क्या